ओम शांति। क्या आपको लगता है अटैचमेंट से मुक्त होना चाहिए या हमारी रिश्तों में अटैचमेंट चाहिए, मोह चाहिए? क्या लगता है? आज हम इसी के बारे में परमात्मा का बहुत सुंदर वरदान सुनते हैं। रहम की भावना से स्वयं को निमित्त समझ सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। रहम की भावना काइंड नेचर, दया का भाव, स्पेशली किसके लिए? दया का भाव स्पेशली उन रिश्तों के प्रति, उन आत्माओं के प्रति जो हम देखते अपने संस्कारों के वश है, अवगुणों के परवश है, गलती कर रहे हैं, जो मन के विरुद्ध चल रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन उनके प्रति भी क्रोध न करते हुए, उनके प्रति ईर्ष्या न करते हुए, उनके प्रति द्वेष की, नफरत, तिरस्कार की भावना न रखते हुए सिर्फ रहम की भाव, रहम माना दया, दया भाव माना कल्याण का भाव, शुभ भाव, इस आत्मा का भी कल्याण हो, इस आत्मा का भी सब कुछ अच्छा हो, ये रहम का भाव। अगर ये रहम का भाव रखकर सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा? खुशी मिलेगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कई बार हम सेवा करते करते दूसरों को किसी दलदल से निकालते, उनको सुधारते सुधारते, उनका ध्यान रखते रखते कई बार हम उनसे इतने अटैच हो जाते कि फिर हमें हमारी राय उन्होंने नहीं सुनी, हमने जो कहा वो उन्होंने नहीं सुना, उससे हमारा इतना लगाव हो जाता है कि फिर वो अपेक्षा भंग हो जाता है और हम दुखी होते हैं। सिंपल, एक नर्स पेशेंट की सेवा करते करते उसे अटैच नहीं हो जाती है। इसी प्रकार से मुझे भी सेवा करते करते अटैचमेंट में नहीं आना है। बस उन्होंने हमारा सुना तो अच्छा, नहीं सुना उनका भाग्य, उनकी डेस्टिनी। तो फिर जो सेवा करेंगे, परिवार की, बच्चों की, पति की, पत्नी की, माँ बाप की, दूसरों की, उसमें भी सदा खुश रहेंगे, दुखी नहीं होंगे, हैप्पी डे।